नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम टैली को डाउनलोड करते हैं और कैसे इसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि उसको हम कैसे फुल वर्जन बनाते हैं। तो इस वीडियो में आप सीखोगे कि हम कैसे टैली को ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको हम फुल वर्जन एक्टिवेट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में सीख रहे हैं कि कैसे हम ऑनलाइन इंटरनेट से टैली डाउनलोड करते हैं और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद हमने उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे और उसको फुल वर्जन बनाना है। तो आपने यहाँ से टैली जो भी है फ्री ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही है तो इसको हमने इस पर डबल क्लिक किया तो ये टैली वालों की वेबसाइट है, तो इससे ये बता रहा है कि डाउनलोड कर लो, इसमें बता देगा जैसे ही आ गया। फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर टिक करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है। तो ये सर्वर बता रहा है कौन सा सर्वर है और डाउनलोड यहाँ से टिक करना है। यहाँ से डाउनलोड करके उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर टिक कर दिया तो आपने देखा कि ये नीचे हमारा टैली का जो है ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ से डाउनलोड, उसके बाद डाउनलोड होने के बाद हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आपके किसी के कंप्यूटर में टैली ERP9 डला है तो उसको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए क्या है कि आप डायरेक्ट क्या करोगे, आपने उसके सिस्टम पर या टैली के ऊपर टिक करना है। जैसे ये फोल्डर है इसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है और ये ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन होता है जैसे हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो ऑप्शन बताता है फाइंड। आपने वहाँ से उसको फाइंड करना है कि कौन से ड्राइव है। जैसे इसमें हमने ये इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है तो इसके ऊपर हमने राइट क्लिक किया, ये लिखा है ओपन द लोकेशन, यहाँ पर टिक करोगे तो इसकी लोकेशन खुल जाएगी। इसको यहाँ से पूरे को कॉपी कर लो, यहाँ से नहीं तो जैसे ड्राइव की लोकेशन है, जैसे ये सी ड्राइव के अंदर है प्रोग्राम फाइल 86 और यह सॉफ्टवेयर है, इसको यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करके सीधा आप यहाँ पर डाल सकते हो तो वो सीधा सारा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। इसको बैक करके उसका वो आ जाता है। तो अब आप उसको कहीं भी डाल दो, जैसे उसको सी में डाल सकते हो, डी में डाल सकते हो, ई में डाल सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे टैली है, टैली के सेटअप को आपने चलाना है। जैसे ये टैली है, ये टैली ERP9, पहले यहाँ पर एक सेटअप फाइल होगी, सेटअप फाइल को आपको चलाना है। ये तो मैंने किसी के कंप्यूटर से उठाया हुआ है तो इसको आप अगर किसी के सिस्टम में इंस्टॉल पड़ी है टैली तो टैली को आप उठाकर वहाँ से सीधा इसमें डाल लो और डाटा उसका जो भी है उसका डिलीट कर दो। डाटा के अंदर आपका नया डाटा क्रिएट हो गया, डाटा फोल्डर आपका डिलीट नहीं करना है, आपने सिर्फ डाटा इसके अंदर ये फाइलें ये इनको डिलीट कर दो। जब भी आप काम करते हो नए सिरे से तो ये नई फाइलें बनाएगा। और उसके बाद मान लो कि आपने किसी के सिस्टम से इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, इसे मैंने कॉपी कर लिया है, ये कॉपी कर लिया। इसके बाद अब आप सी ड्राइव से चलाना चाहते हैं, सी ड्राइव में डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि सी ड्राइव क्रैश हो जाता है और उससे आपका डाटा ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको कहाँ इंस्टॉल करेंगे, हम इसको डी या ई ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ऐसे ये डी है, ये ई है, जिस ड्राइव के अंदर आपका ज़्यादा स्पेस है। मेरे तीनों ड्राइव भरे पड़े हैं तो मेरे इस ड्राइव के अंदर स्पेस है तो मैं इसको ओपन करूँगा और मैंने इसके राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने देखना है कि टैली आपका कहाँ है। जैसे ये है, नीचे आ गया, ये आया है तो आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको ये टैली का फोल्डर दिख रहा है। जब आप इसके सेटअप को सेटअप के ऊपर टिक करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं तो ऐसा फोल्डर बनेगा पूरा। उस फोल्डर के ऊपर ये ऑप्शन होता है टैली, इसको आपने सेंड टू डेस्कटॉप पर टिक करना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ गई टैली। अब इसको हम चलाते हैं,
हमने इसको ओपन किया, अभी ऑप्शन आ रहा है। तो अभी आप देखोगे ये क्या मैसेज देता है। तो ये टैली ऑलरेडी किसी के सिस्टम में डी में था, तो डी से चल गया। ये देखो कि आपने हमने ये टैली खोला है, तो ये टैली चल गया है। अगर सेम सिस्टम से सेम ड्राइव के अंदर कॉपी करते हैं तो ये सिस्टम से चल जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपका टैली चलता है और टैली को ओपन किया, तो वो कहेगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेट नहीं है, पहले इसको एक्टिवेट करो। तो हमने इसको क्विट करना है और एस्केप, यस वाई। तो अब हम इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? एक्टिवेट फुल वर्जन करने के लिए इसको सबसे पहले आपको इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, जो इंटरनेट आपके कंप्यूटर में चल रहा होगा। उसके बाद जो ऑप्शन है अपने इस ट्रिक को ध्यान से देखना है कि कैसे हम टैली को फुल वर्जन करते हैं। तो अब मैं पहले तो इंटरनेट को बंद करूँगा, इसमें वाईफाई चल रहा है, ये लोगो है, तो मैंने यहाँ पर टिक करके इसको बंद कर डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद अब क्या करना है, मैंने टैली के ऊपर जाना है। टैली को हमने ओपन किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर टिक करना है। तो जैसे ऑप्शन ये खुल रहे करें अलाउ, मैंने इसको यस कर दिया। तो अगर ये टैली तो ऑलरेडी पैच है, तो इसको क्या करेंगे कि जैसे फुल वर्जन है तो इसको आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लो कि जिस सिस्टम से आपने उठाया उस सिस्टम का जो ड्राइव था वो सिस्टम सी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल थी, और आपने अपने सिस्टम में डी में डाला है इसको। उस ऑप्शन में क्या करते हैं टैली, उसमें वो जब भी आप खोलोगे तो वो चलेगा नहीं, उसको वो एजुकेशनल बताएगा, कुछ और बताएगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए ऑप्शन क्या है कि आपने जो टैली है उसकी ड्राइव की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी आपको। तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो अभी ये चल रहा है मेरा जी ड्राइव से ऊपर, आप देख रहे हो रिमूवेबल ड्राइव डिस्क जी। तो जो जी ड्राइव है तो मुझे इसकी लोकेशन भी जी ही करनी पड़ेगी। तो कैसे करनी पड़ेगी, तो इसको आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि टैली को जिस ड्राइव के अंदर डालते हैं उसकी लोकेशन को भी चेंज करते हैं। तो आपको नीचे देखोगे, नीचे आपको ये टैली से नीचे एक ये दिख रहा है आपको टेक्स्ट, इसको ओपन करना है। अब ये बता रहा है ए ड्राइव, तो आपको क्या करना है, ए ड्राइव की जगह आपको जी ड्राइव लिखना है। अगर आप इसको जी करते हो तभी आपकी टैली चलेगी। जैसे मैंने इसको यहाँ पर टिक किया, मैंने इसको जी सेव कर दिया। इस लोकेशन को आपको सेव करना है, और इसको भी आपको जी इससे ऊपर कर दे कोई प्रॉब्लम है, ऊपर कैसे आप इस फाइल को आपको चेंज करना है कि खुलेगी कहाँ से। इसके बाद आपने इसको सेव करना है, ये नीचे ऊपर सेव लिखा है सेव। तो अब ये सेव हो गया। अब जब भी आप जहाँ से टैली खोलोगे आपकी टैली वहीं से ही खोलेगी, और उस ड्राइव में ये काम करने स्टार्ट कर देगी।
तो आप आज आप लोगों ने सीखा कि हम टैली कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर सेम टैली आप उठाते हैं तो उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं आती, उसको सिर्फ आप ड्राइव की लोकेशन दे दो तो भी वो चल जाती है। अगर वो एक्टिवेट नहीं होती है तो उसके लिए आपको ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर में आपने जाना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर आपने एक्टिवेट के ऊपर टिक करना है। एक्टिवेट के ऊपर टिक करने के बाद आपने उसको जब उसकी की मांगी आपके जो की होती है उसकी सीरियल की, तो सीरियल की जो होती है 1 से लेकर 9 तक आप लेटर टाइप कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नीचे भी सेम डालना है। उसके बाद आपने जीमेल अपना कोई भी जीमेल का आईडी डाल दो, XYZ कोई भी आईडी डाल, गलत डाल दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आईडी डाल दोगे तो वो। उसके बाद आपने फिर क्या इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद उसको जब आप उसको इंटर मारोगे तो वो फिर पूछेगा रजिस्टर्ड के, मगर उसको फिर आपको क्विट करके बाहर निकल जाना है। जब आप दूसरी बार ओपन करोगे तो आपकी जो टैली होगी तो एक्टिवेट हो जाएगी। तो थोड़ा मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये टैली एक्टिवेट थी इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं आया। अगर दूसरी मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं एक्टिवेट करके भी बताऊँगा, मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको शायद बताया है इसमें कि कैसे करते हैं, मगर उसमें मैंने क्लियर नहीं बताया था कि इसमें इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिवेट के लिए सबसे पहले इसके फोल्डर के ऊपर टिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा आपके पास वो आएगा एक्टिवेट का, तो आपको एक्टिवेट के ऊपर टिक करना है। बाकी जो मैंने बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8 उसमें लेटर टाइप करना है, और उसके बाद लेटर टाइप करने के बाद आपको कोई ईमेल आईडी डालनी है, चाहे वो गलत हो कोई हो। तो उसके बाद जैसे आप खोलते हैं, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।